आज से मुल्क भर में अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली में 45 से ज्यादा बैंकों की निशानदेही की गई है। 5 अफराद से लेकर 50 अफराद तक के ग्रुप भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वाजरे है कि अमरनाथ यात्रा यकुम जुलाई से शुरू होगी। आज बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। कुल 542 ऐसी ब्रांचेस हैं एसबीआई की, जम्मू कश्मीर बैंक की और पंजाब नेशनल बैंक की, जहां पे आज ये रजिस्ट्रेशन होना है। अभी मैं जम्मू की एक पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद हूं और यहां पे अभी सुबह का वक्त है, लेकिन यहां पे जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रा के लिए जाने के इच्छुक हैं, वो यहां पे पहुंचने की उनकी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं बैंक ने भी अच्छे इंतजाम रखे हैं। बैंक ने बाकायदा यहां पे अब जो बैनर्स हैं वो लगा के रखे हैं और सजाया हुआ है। आप सजावट देख सकते हैं बैंक में, जिस तरह से ये बैलून्स लगाए गए हैं और तमाम तरह से श्रद्धालुओं को एक अच्छी सुविधा मिले उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। और ये श्रद्धालुओं को दिखाते हैं हम आपको कि ये श्रद्धालु जो हैं यहां पे पहुंच चुके हैं अपना जो यात्रा रजिस्ट्रेशन है उसको करवाने के लिए। तमाम ये श्रद्धालु हैं जो चाहते हैं कि वो पहले जत्थे के साथ सबसे पहले जो है वो दर्शन करें। और आप देख सकते हैं ये बाकायदा यहां पे फॉर्म फिल करने में जो बैंक के मुलाजिम है वो भी उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। और यहां पे बकायदा इसको काउंटर को रखा गया है। ये आप देख सकते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 रजिस्ट्रेशन काउंटर, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बकायदा जो है बैंक में बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की असुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को ना पहुंचे। हम श्रद्धालुओं से ही जानेंगे आज सबसे पहले आप यहां पहुंचे हैं, आप कब से जाते हैं और आज किस तरह की असुविधा तो नहीं हुई आपको? नमस्कार सर, हमें हर साल जाते हूँ, मेरे को 19 साल हुए वहाँ पे जाते हुए। तो जो भी अपनी श्रद्धा है, मैं सबसे पहले आया हूँ फॉर्म लेने के लिए। मैं अपनी फैमिली को फॉर्म देके फिर फिलअप करके जो हमारे जाने वाले सभी को लेके जाऊंगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो पहुंचे हैं तो आपको तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ सब? हाँ, वहाँ यहाँ पे सब कुछ बताया कि हेल्थ ऑफिस वहाँ पे जाके मेडिकल करवा के अपना पूरा मेडिकल करके यहाँ पे आके थम लग रहा है। पहले था कि थम नहीं लगता था, अब थम लग रहा है। अब मैं अपनी फैमिली को लेके आ रहा हूँ तो वो यहाँ पे आके लगाएंगे थम लगा के, हमें रजिस्टर मिलेगा, हमने पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। एक अन्य श्रद्धालु हैं, कब से जाते हैं और यहाँ आप सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे? हाँ जी, मैं श्यामलाल डोगरा जी, 1980 से हम जा रहे हैं। हर साल की तरह प्रभु के दर्शन करने चले जाते हैं तो प्रभु की बहुत आनंद है, बुला लेते हैं, चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो किस तरह की सुविधा आपको बैंक में मुहैया करवाई गई है? बहुत अच्छी सुविधा है, कुछ चीज की परेशानी नहीं है, फॉर्म भी दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी। आप कब से जाते हैं और आज किस तरह की सुविधा आपको बैंक में मुहैया करवाई गई है, कितनी आसानी आपको हो रही है? सर आसानी तो बहुत हो रही है सर, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा। और मुझे काफी सोच रहा हूँ कि काफी मजा आएगा वहाँ जाके, और भोले बाबा जी जो सबके हमारे गुरु जी हैं और उनसे मिलेंगे पहली बार, और कितनी खुशी होगी वो हमें ही पता है। थैंक यू। तो यहाँ बैंक के मुलाजिम भी जो हैं वो भी सुबह सुबह, हालांकि ये बैंक जो है 10 बजे खुलती है, लेकिन आज 9 बजे, 9:15 बजे इस बैंक को खोला गया है और बकायदा जो काउंटर बनाया गया है उसके बाद एक डेजिग्नेटेड जो यहाँ पे मुलाजिम है बैंक के उनको लगाया गया है कि आप श्रद्धालुओं को गाइड कीजिए, श्रद्धालुओं को बताइए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है और किस तरह से बकायदा जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं श्रद्धालुओं को? सर जो उनका पहले सबसे मैंडेटरी रहेगा सीएचसी, जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है, तो वो फिलअप करके लाएंगे तो यहाँ फिर बायोमेट्रिक के थ्रू उनका जो पंजीकरण हो जाएगा। तो जिस दिन का कोटा जो सिस्टम में प्रोवाइड होगा थ्रू बाल्टार रूट या थ्रू अपना पहलगाम रूट, जितना कोटा होगा ऊपर डर के हिसाब से हम उसका अवेलेबल करवाएंगे। तो आज सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की जो आमद है वो हो गई है, शुरुआत हो गई है, किस तरह की बैंक में फैसिलिटी रखी गई है? बिल्कुल, हम जो भी हमसे कोई फॉर्म प्रोवाइड वो मांग रहा है हम उनको बिल्कुल अवेलेबल करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से भी हमें हेल्प जितनी दे सकते हैं हम पूरा हम कोशिश करेंगे। तो जितनी हेल्प दे सकते हैं वो कोशिश की जाएगी। और आज जो है यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत हो गई है, श्रद्धालुओं में खुशी है और बैंक के मुलाजिम हैं वो भी चाहते हैं कि इनको गाइड किया जाए सही मायने में। बायोमेट्रिक जो है इनका यहाँ पे किया गया है, उसके बाद ही जो है फॉर्म इनको दिया जाएगा और फॉर्म फिल करने के बाद ही बालटाल और पहलगाम रूट के लिए जो कोटा है उसके मुताबिक ही इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।
अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। हमारे जम्मू नुमाइंदे राजन वैद ने पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर से खसूसी बातचीत की, आइए सुनते हैं। जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं श्रद्धालु, उनके लिए आज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है और पीएनबी समेत एसबीआई और जेएनके बैंक की कुल 542 ब्रांचेस देश में ऐसी हैं जहां पे जो यात्री जाने के इच्छुक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी हम एक पीएनबी की ब्रांच में हैं और चीफ मैनेजर जो यहां पीएनबी बैंक के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित रैना। सर, कुल कितनी ब्रांचेस हैं देश में पीएनबी की जहां ये रजिस्ट्रेशन की आज शुरुआत हुई है? हमारी 316 ब्रांचेज हैं अक्रॉस इंडिया जहां पर रजिस्ट्रेशन ये ब्रांचेज में शुरू हुई है और श्रद्धालुओं को हमारी ब्रांच में आके आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड इस बार यात्रा परमिट फॉर्म जनरेट होगा। पिछली बार तक यात्रा परमिट फॉर्म जो है मैनुअली बनाना पड़ता था, इस बार प्रिंट होके उसमें ब्रांच साइन स्टैम्प करके यात्रा परमिट फॉर्म यात्री को दे देगी। तो सर, बायोमेट्रिक के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक श्रद्धालु को लेके आने? डॉक्यूमेंट्स यही है कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि डेजिग्नेटेड डॉक्टर इशू करेंगे, हर एक स्टेट के डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स हैं, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में दिए गए हैं, तो श्रद्धालुओं को उन डेजिग्नेटेड डॉक्टर से अपना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के हमारी ब्रांच में आना है। 120 रुपया रजिस्ट्रेशन फी है और आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड ये परमिट फॉर्म जनरेट होगा। जो बैंक ब्रांच में जब श्रद्धालु आता है तो क्या क्या यहाँ पे सेपरेट काउंटर रखा गया है और क्या फैसिलिटीज दी गई है उनको? जी, हमने सेपरेट काउंटर रखा हुआ है, हर एक ब्रांच में सेपरेट काउंटर रखा हुआ है। यात्री जिस किसी ब्रांच में भी हमारे वर्किंग आवर्स में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सजावट भी करके रखी हुई है कि एक अच्छा इंप्रेशन, कितना अहम है आपके लिए भी कि श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी रश जो है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वहां पे यहाँ रश होगा, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा? सर, ये गौरव की बात है हमारे लिए भी कि हम एसोसिएटेड हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि श्रद्धालुओं को कम से कम तकलीफ हो हमारी ब्रांचेज में यात्रा रजिस्ट्रेशन करने में। और हमने, जैसा कि मैंने कहा है कि हमने एक काउंटर तो सेपरेट रखा हुआ, अगर नीड होगी तो एडिशनल काउंटर भी रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एडिशनल काउंटर भी रखे जा सकते हैं, उसके साथ साथ ये वो काउंटर है जहां पे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। ये जो श्रद्धालु यहां पे आए हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए यहां पे? आधार कार्ड है, बाकी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, तो बाकी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कब से आप जाते हैं, क्या रेगुलर जाते हैं या पहली दफा जा रहे हैं? 2009 से जा रहे हैं, तो अब 15वां साल है, 14 ईयर हो गए हमारे को जाते हुए। आप क्या कहेंगे, कब से जा रहे हैं? हमें काफी देर हो गई, 10-15 साल हो गए, हम सालों साल जाते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि सरकार ने जल्दी शुरू कर दिया ये पंजीकरण का काम, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 62 दिन की है, खुश हैं आपके? अभी काफी टाइम है। हाँ, बहुत ही खुश हैं हम, इस बार ज्यादा उन्होंने टाइम दिया हुआ है, बहुत ही खुश हैं। सरकार की तरफ से फैसिलिटीज भी ज्यादा दी जा रही हैं, आप काफी वहाँ पे डेवलपमेंट काफी हुई है। 2009 में तो बिल्कुल सिंगल रोड था, अभी काफी कोई 10-15 फुट रोड बन गया है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, तो सरकार काफी मदद करती है लोगों की वहाँ पे। तो डेवलपमेंट हो रही है, काफी बदलाव आ रहे हैं और हुकूमत की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियत जो है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो खाने पीने के वहां पे लंगर लगाए जाने हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी इस दफा श्रद्धालुओं को। सिक्योरिटी के भी उनके अरेंजमेंट्स अच्छे रखे गए हैं, इसके लिए कई मीटिंग्स जो हैं वो गृह मंत्रालय में भी और जम्मू कश्मीर में भी हो चुकी हैं, और इस बात को सुनिश्चित बनाया जाएगा कि श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधाएं मुहैया हो सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। भोदू के आला रोह